गुड मॉर्निंग अलाफियो, मैं राजवीर सर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लेकर के आ गए अपनी साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग रेलवे में पिछली सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी बात कर रहे हैं, और जो हमारे आने वाली जो रेलवे की वैकेंसी है उनके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और हम लोग बहुत ही सीधी सरल भाषा में जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें आई हैं उनसे रिलेटेड हम सारी जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही खास होने वाली है। हमारी ये थर्ड क्लास है, हम दो क्लासें ले चुके हैं, थ्योरी वाली और एक प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के, ये हमारी थर्ड क्लास होगी। अगर वो क्लासेस अगर आपने अभी नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जा कर के रेलवे एग्जाम करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको वो क्लास जो है मिल जाएंगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप लोगों का और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो हमारी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनकी मतलब वेटिंग क्लियर की जाएगी 2025 तक, मतलब जो वैकेंसी आएगी उनसे भर जाएगी, कुछ ऐसा कहना है कि रेलवे का जो नोटिस है वो लोग कुछ लोगों के द्वारा जो है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वायरल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। रेलवे की जो नई वैकेंसी है वो आपकी आनी ही आनी है, ये वेटिंग लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेटिंग लिस्ट तो वैसे भी वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो हमारी क्लियर ही होती है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा नंबर में भी नहीं है, LP की तो हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो ऑलरेडी मतलब क्लियर हो चुकी है, बचा ही नहीं कोई LP वाला। और टेक्नीशियन की अगर बात करें तो टेक्नीशियन में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं, 700-800 कुछ मुझे लग रहा है ऐसे कैंडिडेट अब बचे होंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। RPM में भी थोड़े से होंगे, RPM की वैकेंसी भी कम होती है, ठीक है। तो आप उसको आप माइंड में ना लाएं, आप अपनी तैयारी को पहले करिए, क्योंकि हमें पहले अपने को तैयार करना होता है, हमें नौकरी के लायक अपने को बनाना होता है। नौकरी ज़रूर मिलेगी तो हमें अपने को बस इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, अपनी स्टडी को जारी रखना है, कभी भी कोई वैकेंसी आ सकती है उस वैकेंसी में आप अप्लाई करो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अच्छा, एक बच्चे का और कमेंट आ रहा था कि सर जो है अगर हम मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है फिर से ज्वाइनिंग मिलने में। तो अभी देखिए, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप मेडिकल में फिट हो सकते हैं तो आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और आपको जिस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने समय बाद दोबारा से आपका रीमेडिकल होगा, फिर आपके लिए जो भी लेटर वगैरह निकलेगा, क्योंकि और भी कैंडिडेट ऐसे होंगे आपके जैसे, तो साथ साथ में उनको भी बुलाया जाएगा। तो आप जाएंगे वहाँ पर, आप फिर से रीमेडिकल आपका हो जाएगा और आप फिट हो जाएंगे। तो फिट होने के बाद आप 2 से 2.5 महीने मान लीजिएगा कि आपको जो है ज्वाइनिंग मिलने में लग जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब आपका इससे ये भी कहना था कि हाँ जो पैनल हमारा है पैनल कैसे बनता है। तो देखिए, अगर रेलवे को मान लो किसी जोन में 10,000 कैंडिडेट चाहिए, उसने सारे एग्जाम ले लिए हैं, अब कट ऑफ को जारी करना है, कट ऑफ मान लो कि अगर 75 मार्क हम रखते हैं तो हमारे 10,000 पूरे हो जाते हैं, तो रेलवे कट ऑफ कितना रख देगा, 75 मार्क रख देगा, ठीक है। अब क्या है कि अब 10,000 कैंडिडेट है ना, उनको एक साथ में ज्वाइनिंग देना थोड़ा, कोई भी प्रॉब्लम हमको फेस करनी हो सकती है, रेलवे को फेस करनी हो सकती है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम थोड़े थोड़े कैंडिडेट के लिए लिस्ट बनाएंगे जिसको हम पैनल बोलते हैं, और उनको हम ज्वाइनिंग, क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी करवाना होता है, सारा काम होता है उनका, ठीक है। तो वो चीज़ है ना, हम थोड़ा डिवाइड करके निकालते हैं कि इतने हमें डिसाइड भी करना होता है कहाँ कहाँ पर कितना देना है, तो वो सब चीज़ें, तो उस हिसाब से वो पैनल बनते रहते हैं। मान लो 10,000 का पैनल बन गया, लिस्ट आ गई, 4-5 लिस्ट आ गई, 10,000 का सिलेक्शन हो गया। अब 10,000 में क्या है ना, अब ऐसा भी होता है कि 10,000 में पता लगा 200 बच्चे नहीं आए, क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो, कोई और वजह रही हो, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या है कि रेलवे ने जो वेटिंग लिस्ट रखी है, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों को के लिए जो है पैनल बन जाएगा फिर नया, ठीक। अब जो ज्वाइन किए थे पता लगा उसमें भी कोई दिक्कत रही, कोई कागजों में दिक्कत आ गई, बीच में पकड़ी गई, या फिर उनकी कहीं और नौकरी लग गई है, तो ऐसे में क्या होगा, अब जो हमारा वेटिंग लिस्ट का दूसरा पैनल बन जाएगा फिर से धीरे धीरे। जब बोला कि 200 लोगों का वेटिंग लिस्ट का पैनल बना, उसमें भी कुछ दिक्कत आई, तो एक दो 10-20 जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, या आगे जो हमने 9-10 हज़ार सेलेक्ट हुए थे, 10,000 उसमें से भी कुछ कैंडिडेट चले गए, किसी का टीचिंग में हो गया, कहीं हो गया, तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को ऐसे ऐसे मौका मिलता रहता है और पैनल हमारा बनता रहता है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है,
देखिए 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, हम आज से आगे एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। ऑप्शन आपके पास हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजरिंग यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई सिस्टम इज। एसआई सिस्टम में स्ट्रेस का माप इकाई क्या है, यानी इसका मात्रक क्या है स्ट्रेस का, जिसको हम लोग प्रतिबल कहते हैं। ऑप्शन आपके दिए हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वाट। ठीक, हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रेस होता है क्या, पहले तो हमें उसका क्या फार्मूला पता होना चाहिए, फिर हम लोग उसका यूनिट निकाल लेते हैं। हम लोग बड़े ही अच्छे से पढ़ रहे हैं कि अगर फार्मूला पता है तो हम लोग यूनिट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल को हम इंटरनल अपोजिंग फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल। कैसे कि आंतरिक प्रतिरोधी बल क्या होता है, तो जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर से भी एक ऐसा फोर्स लगेगा जो ऊपर से जो आप बाहरी फोर्स लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, उसका विरोध करेगा। जो अंदर से फोर्स लगेगा वो बाहर से लगने वाले फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो अंदर से फोर्स हमारा लग रहा है, इस वाले फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक विरोधी बल कहेंगे। और इसके अपान में क्या लिखा, एरिया तो आप जानते हो, तो प्रति हमारे मतलब पर यूनिट एरिया पर कितना इंटरनल अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, अब स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग कैसे सीखे हैं कि पहले हमें जो ऊपर वाला फोर्स है इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और अपान में एरिया है इसका हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बी वाला जो न्यूटन दिया गया वो हम जानते हैं फोर्स यानी बल का यूनिट है, फोर्स का न्यूटन पर मीटर, अरे ये नहीं होगा भाई, सॉरी, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एसआई में किसी का मात्रक नहीं होता है। जी वाला जो हम लोग कल बात किए थे किसका है, ये हमारा जो है शक्ति या पावर का यूनिट है, पावर या फिर शक्ति का यूनिट है। ठीक, ये वाला तो सब चीज़ आप समझ गए, स्ट्रेस हम लोग समझ गए क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। हम लोग इंग्लिश में लिख दिए हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है एम्पियर, कूलाम, जूल और वाट। चारों ऑप्शन आपको दिख गए हैं, आप यहाँ से अपना माइंड भी लगा सकते हैं, आपको आ गया तो अच्छी बात है, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। एम्पियर जो है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है। और इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, हम लोग फार्मूला देखें या डेफिनेशन देखें तो आई से हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू अपान टी, ये हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का। क्यू हमारा चार्ज है और टी हमारा क्या है, क्यू क्या है चार्ज और टी यहाँ पर क्या है टाइम। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मैं आपको समझा दूँ बड़े ही आसान शब्दों में, कि चार्ज के फ्लो होने की रेट, चार्ज के फ्लो होने की रेट इलेक्ट्रिक करंट कही जाती है, या यूं कहना कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पर यूनिट टाइम में कितना करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा, करंट नहीं बोलेंगे चार्ज, एक बार फिर से, पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, शॉर्ट में आप यही कह सकते हो कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये फार्मूला हो गया। अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट की, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम,
गुलाम को हम सी से लिख लेते हैं, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, गुलाम सी होता है। और टाइम हमारा क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है, सेकंड होता है, तो कूलाम पर सेकंड जो है हमारा इसका यूनिट हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। इसके यूनिट वैसे क्या है, कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एम्पियर इज इक्विवेलेंट, एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे कूलाम पर सेकंड। ऐसे भी ऑप्शन हमारे आ जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। एम्पियर क्यों लिखा गया, मैं आपको ये भी बता दूँ कि एम्पियर हमारे साइंटिस्ट के नाम पर जो हमारे इसके यूनिट को उनको रिवार्डेड करने के रूप में, उनको सम्मान देने के हिसाब से हमने इस यूनिट को एम्पियर कह दिया है। ठीक है, हमारे जो भी साइंटिस्ट होंगे ये चीज़ आप समझ गए। ठीक, एम्पियर हो गया पहला ऑप्शन, सही हो गया आपका। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कूलाम। तो कूलाम किसका यूनिट होता है, हम लोग जानते हैं आवेश का, किसका यूनिट होता है, आवेश का, विद्युत आवेश जिससे हम लोग कहेंगे, विद्युत आवेश का होता है कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जी चार्ज का हो गया, ठीक है, यूनिट। और जूल किसका होता है, आपके कार का, या फिर एनर्जी का, या फिर वर्क का। वाट हम लोग जानते हैं, अभी भी देखा होगा, शक्ति का, किसका, शक्ति या पावर का। तो सब चीज़ आप समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट को समझ गए। और इलेक्ट्रिक करंट हमारी जो है, अगर हम लोग एसी करंट की बात करें, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो वो हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। अगर हम लोग डायरेक्ट करंट डीसी की बात करें, तो वो हमारी सदिश राशि है। तो ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11, आवेश की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, वाट, जूल। कब पूछा गया आप देख पा रहे होंगे, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट थर्ड। ठीक है, एसआई यूनिट आप इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज का हमारा कूलाम होता है, हम लोग बहुत पहले बता चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है एम्पियर, जो कि किसका है, विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का होता है। ठीक है, और जूल किसका होता है, कार या एनर्जी, कार ऊर्जा, इसलिए हम वर्क हैं, वर्क एनर्जी। ठीक, वाट किसका होता है, पावर, या फिर हम कहें शक्ति। ठीक जी, हम लोग देख चुके हैं हमारा आवेश का होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक आवेश है या इलेक्ट्रिक चार्ज है जी, एक अदिश राशि है। कैसी है, जो चार्ज है वो कैसा है, अदिश, या हम स्केलर कहें, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है, कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 इज, निम्न को मिलान कीजिए। क्या करना है हमको, मिलान करना है आरआरबी एसएससी 21/12/2014 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमने यहाँ पर लिख रखा है आपको समझाने के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है, इसको हम, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है या स्वप्रेरण क्या है। हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब एक क्वाइल में आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, फ्लो कराते हैं, और उस विद्युत धारा की अगर हम वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी क्वाइल से पास होने वाला चुंबकीय फ्लक्स कम ज़्यादा होता है, बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। इससे उस क्वाइल में क्या होता है, एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
इंड्यूस हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से उस क्वाइल में करंट फ्लो होने लगती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण या फिर सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अभी मैं सेल्फ इंडक्टेंस भी समझाता हूँ। या फिर यूँ करें कि ये क्वाइल है, उसको आपने रखा है, फिर उसके पास एक मैग्नेट को ला रहे हैं, कभी पास ला रहे हैं, कभी दूर ले जा रहे हैं, या तो मैग्नेट को मूवमेंट कराते हैं या फिर क्वाइल को मूवमेंट कराते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उस क्वाइल में एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, उसकी वजह से एक विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, वो एक हमारा कांस्टेंट होता है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। उसके लिए फार्मूला जो होता है उसको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। वैसे फाई इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, एल आई होता है। आई यहाँ पे करंट है हमारी, एल जो कांस्टेंट आया हुआ है, यानी कि ये फार्मूला वैसे जी होता है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फाई मीन्स यहाँ पर फ्लक्स है, फाई क्या है, फ्लक्स है। और मैग्नेटिक हमारे मतलब मैग्नेटिक वाले चैप्टर के हिसाब से ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाएगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट जितना आप ज़्यादा करोगे या जितना कम करोगे तो हमारा जो है फ्लक्स कम हो जाएगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट इसको जब हम हटाते हैं सिंबल को, तो हमारा कांस्टेंट एल आ जाता है। और इस एल को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब इस सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमारा यूनिट होता है वो हेनरी होता है, यानी दो का हमारा बी से मिलान हो जाएगा। दो का किससे हो जाएगा, बी से, सामने सामने है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो हमने बताया था वो चुंबकीय फील्ड ही होता है। तो फील्ड, चुंबकीय फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो वो हमारा होगा हेनरी। हेनरी तो नीचे वाला आया, इसका सी हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो वेबर किसका यूनिट है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आई होप सब चीज़ आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ और समझाने को ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। कब पूछा गया क्वेश्चन, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, आप विच यूनिट इज इक्विवेलेंट टू यूनिट ऑफ एनर्जी इन फॉलोइंग इज, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है शक्ति, घनत्व, कार्य बल, पावर, डेंसिटी, वर्क, फोर्स, ठीक। कब पूछा गया क्वेश्चन, RRB LPN टेक्नीशियन 21/8/2018 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। मैं अभी बता रहा था कि ऐसे पूछ लिया जाता है, तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि एनर्जी और वर्क इन दोनों के यूनिट कैसे होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। दोनों का ही यूनिट क्या होता है, इन दोनों का ही यूनिट सेम होता है, और यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो जूल दोनों का यूनिट होगा, दोनों का बराबर, इक्विवेलेंट मतलब बराबर, ठीक है। अच्छा, पावर किसके, पावर का यूनिट हम लोग जानते हैं वाट होता है, और वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखें, डेंसिटी जो होता है घनत्व होता है, और घनत्व क्या होता है, घनत्व का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ घनत्व का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। हमारा पॉज हो गया था, मतलब थोड़ा स्पीच का प्रॉब्लम था, शायद वीडियो बंद हो गया था, तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पता नहीं आप पूरा समझ पाए हैं कि नहीं है। फिर से मैं जल्दी से बता दूं कि वाट पावर का यूनिट वाट होता है, ये फार्मूला इसका होता है वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड, वाट, वाट एक हमारी स्केलर या अदिश राशि है, और जो हमारा न्यूटन था वो फोर्स यानी बल का मात्रक है, पास्कल है वो दाब या प्रेशर का है, प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया,
और इसका अगर यूनिट बात करें तो फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा प्रतिबल का भी मात्रक यही निकला था, इसको हम पास्कल कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पास्कल है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हमारा पास्कल होता है, और जो फोर्स है वो भी क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो विच ऑफ वन हैज नो इकाई या यूनिट, मतलब किसकी कोई इकाई नहीं है। तो हमारा जो है ऑप्शन है यहाँ पे डेंसिटी घनत्व जिसे कहते हैं, सापेक्षिक घनत्व जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, विस्थापन जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और दाब जिसको हम प्रेशर बोलते हैं। समझते हैं अपने क्वेश्चन 15 को। घनत्व जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपन आयतन, जिसको हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहते हैं। भाई क्यों, इसका यूनिट यही तो निकलेगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब, तो हमारा डेंसिटी का यूनिट ये निकल के आ गया। ठीक, सापेक्षिक घनत्व का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को हमें ऊपर रखना है, और अपान में क्या रखना, हमेशा हमेशा वाटर की डेंसिटी को रखना है, तो उस सब्सटेंस की सापेक्षिक डेंसिटी निकल के आ जाती है। तो इसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि किसी पदार्थ की घनत्व ऊपर लिख दें और नीचे क्या लिख दें, हम वाटर का घनत्व लिख दें, तो वही हमारा सापेक्षिक डेंसिटी आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे, डेंसिटी ऊपर भी डेंसिटी बढ़ और नीचे भी डेंसिटी बढ़, तो डेंसिटी की ऊपर आप यूनिट लिखोगे, डेंसिटी की नीचे यूनिट लिखोगे, तो वो यूनिट क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारी ये जो सापेक्षिक घनत्व की डेंसिटी जीरो आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगी। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। विस्थापन जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर। भाई विस्थापन तो एक डिस्टेंस ही तो है, विस्थापन क्या है, डिस्टेंस है, और जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी है, वेक्टर। मैंने बोला कि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है, हमारी फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की ओर, वो हमारी इसकी डायरेक्शन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, हम लोग अपने पहले वीडियो में बात किए हुए हैं। प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट अभी हमने बात की, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया, ये फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया, फोर्स का यूनिट हमारा क्या रहेगा, न्यूटन, एरिया का रहेगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो इसमें सबकी यूनिट है, बस इसकी यूनिट नहीं निकली, और हमने प्रेशर को बताया है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डेंसिटी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सब स्केलर। यहाँ पे विस्थापन कैसा है या डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि हमको और एनर्जी मिल सके आपके लिए काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इस बात को आप सिर्फ समझ पाएंगे शायद अगर आप ये काम करेंगे तब। ठीक है, तो यही आपसे कहना है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि हमारी इस मेहनत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।